गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज है गाइस संडे और मैं आया हूँ आज एयरफोर्स म्यूजियम पे। मैं हूँ, मेरी वाइफ है और ये है मनन साहब, ठीक है। तो अभी मैं हूँ पार्किंग में और हम जा रहे हैं, सामने है म्यूजियम, तो वहाँ पर जा रहे हैं, आइए चलते हैं। ये है सामने का व्यू और ये है एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास VVIP गेट है और वहाँ पर है, यहाँ से आप आ सकते हैं। रुक जा जरा, बाहर है सदर जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में है ये, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है और आप ई रिक्शे में भी आ सकते हो। ये है मेरे सामने जो दिख रहा है, ये है गेट, यहीं से एंट्री होती है। ये है वायु, हाँ छोड़ दो। ये है वायुसेना संग्रहालय। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं, कोई भी वाहन अंदर लाना मना है। 4:30 बजे तक एंट्री होती है। बाकी गाइज ये है आपका, बाकी अंदर जाके मिलता हूँ आपसे। गाइज अंदर आते ही लेफ्ट साइड में आपको एंट्री होती है यहाँ पर, उसके बाद हम चलते हैं अंदर। ये है कुछ वॉर मेमोरियल का लिखा हुआ है और इधर युद्ध स्मृति बना हुआ है, और आते टाइम ले लेंगे। ये है एयरफोर्स म्यूजियम, यहाँ पे अंदर कुछ टिकट विकेट भी शायद लगती है, तो वो अभी जाके देखते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे, बाकी अंदर जाके मिलता हूँ। प्रवेश टिकट यहाँ से मिलता है, तो यहाँ से टिकट लेनी है अपने को। यहाँ पर है ये है इसकी, अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर थोड़े? हाँ, ये कैनबेरा एयरप्लेन, हाँ ये प्लेन है बेटा ये, हाँ। और एक उधर रखा हुआ, वो मेरे को लगता है लेबोरेटरी B-24, वो कुछ होगा, ख़राब होगा, कुछ दिक्कत होगी। तो ये सामान ले जाने वाला है ये प्लेन, हेलीकॉप्टर सा कुछ है। तो गाइज ये है MI-4 हेलीकॉप्टर, काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। और ये है, ये एक प्लेन है, मनन कर रहा है एंजॉय इस प्लेन के साथ। हाँ हेलीकॉप्टर है बेटा, इसका नाम कहीं पे लिखा नहीं है, तो एक हेलीकॉप्टर ही है ये भी, ये रहा। और ये है टैंक, और ये एक जीप सी है कुछ, पाकिस्तान, ओके ये इंडो पाक वॉर में जो चीज़ें लाई गई थी ना वो हैं। हाँ बेटा ये टैंक रखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये जब ये युद्ध विजय स्मारक। गाइस काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, मिसाइल वगैरह भी हैं। ये टैंक है, ये जीप्स हैं कुछ, मुझे लग रहा है पाकिस्तान वाली जीप है ये जिसको हम लोग लेके आए होंगे। ये है वॉर ट्रॉफीज गाइज। ये है बाबा मेहर सिंह गेटवे ऑफ इनोवेशंस, तो ओनली 2 पर्सनल अलाउड इनसाइड। ओके हम दो ही लोग हैं, तो हम अंदर जाके देखते हैं। बाबू किसी चीज़ को छूना नहीं, ओके आ जाओ। गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो बाबा साहेब की हैं, कमांडर मेहर सिंह, एयर कमांडर, तो उन सर के हैं। और ये कुछ चीज़ें ड्रोन वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ, ये देखिए जी पर। भाई बात निकलते हैं यहाँ से, बाबा जी को उन्होंने देख लिया है, आप भी देख लीजिए। ये उनका जो भी है यहाँ पर सारा फोटोग्राफी वगैरह, मेडल्स वगैरह सब कुछ रखे हैं,
तो गाइस ये देख के हम निकलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? और ये है गाइस कुछ प्लेन, ये है बॉम्ब, लिखा हुआ है बॉम्ब 500 LB MK HSL 250 kg बॉम्ब स्पेनिश बॉम्ब 1000। ये बड़े बड़े बॉम्ब्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और आई गेस कि ये प्लेन जो है फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये इसमें से ना वो भी निकलती है, बॉम्ब छोड़ सकता है ये आई गेस MI4। यस, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये, इंजन 1782 PS इंजन। ये भी है एक, तो यहाँ पे ढक रखा है, बट ये कह रहे रडार है। हाँ, हो सकता है ये रडार हो, MNR-75 फेंसोंग रडार ये है गाइस, वो जैसे कि आपको सामने दिख रहा है पुराना, पहले ऐसे ही होता था शायद। ये है गाइस फाइटर प्लेन मारुत। आ जाओ अमरन, कहाँ है? ये लिखा इंडिया 24। ये है मारुत, मनन इधर आओ। क्या लगते हैं यार ये सच में। और एक ये है यहाँ पर, ये है हॉकर, हॉकर हंटर। अब ये है हॉकर हंटर, हाँ इस प्लेन का नाम है हॉकर हंटर, फाइटर प्लेन है ये। हाँ जी बिल्कुल। और ये और एक फाइटर प्लेन है जिसका नाम है डी हेवल लैंड वैम्पायर NF-10। है गोली मारता है, गोलियां उसमें अंदर लगी होती है ना, द सॉल्ट ओरागन तूफानी। ये एक और फाइटर प्लेन है जो फास्ट बहुत चलता है, तूफानी नाम है इसका, जिसका नाम ही तूफानी है। टू फ्री द पायलट ब्रेक प्रेस दिस, ओके। ये है मिस्ट्री MK-4A। ये है गाइस, हाँ भुवन आर्य के नाम कुछ भाई लोग मिले हैं यहाँ पे। देखो ये भी एयरफोर्स म्यूजियम घूमने आए हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर दबाना, ठीक है? भुवन आर्या BHUWANARY। और एक ये प्लेन है, इसका नाम कहीं लिखा नहीं है, ये है तो फाइटर प्लेन ही। हाँ ये है डिजाइनल, अच्छा MiG-21 है ये, वो भी ये भी आई गेस। ये है गाइस MiG-21। मरन अकेले अकेले भाग रहा है आगे आगे। ये है इनकी मिसाइल्स रखी हुई है नीचे, बच्चे पसंद आते हैं। और ये है सुखोई SU-7। इधर आओ बेटा, ओके तो आगे चलते हैं। और एक और आगे है, पानी भी आया हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये सिर्फ SU-7 का लास्ट पार्ट है, ये पीछे का हिस्सा है ये SU-7। कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा शायद, तो ये बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, ये वो चीज़ है मिडिल पार्ट लग रहा है मेरे को। ये देखिएगा यहाँ पर ना काफ़ी सारे प्लेन्स रखे हुए हैं, जंजीर के जाना अंदर जाना मना है, गार्ड्स भी बैठते हैं यहाँ पे। और ये देखो आप, ये है थंडरबोल्ट, ये है गाइस थंडरबोल्ट 3476। एयरफोर्स का क्या?
ये है वो का छोटा प्लेन है, छोटा फाइटर प्लेन है। इधर आओ। और आगे चलते हैं, नाम बोल यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। रश है, ठीक ठाक है, काफी भीड़ है वैसे। एक ये है कुछ जो मैंने पिक्चरों में देखा था, ऐसा कुछ टाइप का, इसको बोलते हैं वापसी की एनके टू ए। ये प्लेन है, वाओ, प्लेन है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एरोप्लेन है। बस यहाँ पर भी रखा हुआ है कुछ देखने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ। एक इंजन सा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये इसी का पार्ट होगा मेरे ख्याल से, सीट्स वगैरह। एयरप्लेन की सीट है गाइस ये, और सॉरी फाइटर प्लेन की सीट्स हैं यहाँ पर। मैं ऊपर से जाके दिखाता हूँ आपको एक बार, वहाँ पर ना जगह है एक बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे जाके सबका व्यू आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर ना कुछ फोटोग्राफ्स रखी हैं पुरानी, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इनमें, बट एक एक करके पढ़ना तो मुश्किल है। हाँ, जोवार शमशेर, हाँ देखो भाई, मेमोरीज हैं जापान जाते हुए, MI-8 सेना जीप उठाते हुए, ओके। और इधर से भी है, इधर भी है कुछ फोटोग्राफी, काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखी हुई हैं, उसको आप आके देख सकते हो एक बार। और ये गाइज, आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बस ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ये है गाइज एक जगह बना रखी है, यहाँ से आप हर हर एक प्लेन पे नज़र रख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो आप। ये देखो सारा ऐसा लग रहा है कि एयरफोर्स का मतलब स्टेशन। गाइज आज जो है ना गर्मी काफ़ी है, तो यहाँ पे एक तो अंदर है, एक हम ऊपर आए हुए हैं, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइज ये है एक टेम्पेस्ट MK2, ये देखिए। और एक उस तरफ से है, इसको मैं उस तरफ से जाके दिखाऊंगा। और ये है देखो, मनन एंजॉय कर रहा है, फर्सिवल प्रेटिंग TMK3। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा लेना। दोस्तों ये था एयरफोर्स म्यूजियम का आधा पार्ट, और आधा पार्ट आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू रहेगा। एक मेरा सजेशन है कि एक बार ज़रूर जाए यहाँ पे, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।